हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताता हूँ आपको कि पिक्स आर्ट से कैसे फ़ोटोज़ एडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ फ़ोटोज़ एडिट की हैं, से ये देख लो। और ये फ़ोटोज़, ये पिक मैंने लगाई है। इस फ़ोटो पे ऐसे लग ही नहीं रहा कि फ़ोन से किया, ऐसे लग रहा है जैसे कंप्यूटर से सेट किया हो सारा, लेकिन ये मैंने फ़ोन से ही किया है। बहुत सारी पिक्स मैंने डिलीट कर दी है जो कि मैंने पिक कार्ड से इतनी शानदार बनाई थी। तो ये कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। पिक कार्ड जो ऐप है, ये पिक शार्ट, ये थोड़ा खुलने में टाइम लेता है, आप थोड़ा सब्र बनाए रखें। तो ये ऐप चालू हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे नीचे मार्क के प्लस का, इस प्लस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सामने ऑप्शन आ गया है। ऊपर फ़ोटोज़ है जो मेरी गैलरी के हैं, नीचे वीडियोज़ है जो गैलरी से हैं, और उसके लिए जो भी है ये इस ऐप में ही है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ बैकग्राउंड, तो यहाँ पे कलर बैक देता हूँ मैं। इसमें ये कलर चूज करता हूँ। जैसे कलर चूज करेंगे भी ऐड आ सकता है, क्योंकि हम पेड नहीं हैं। दो ऐड आएंगे तो इसको आप यहाँ से क्रॉस से हटा देंगे। तो जैसे हटाओगे तो ये आपका बैकग्राउंड आ जाएगा स्क्रीन पे। अभी आ गया आपके स्क्रीन पे बैकग्राउंड, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपको इसको क्रॉप करना है तो छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने यहाँ पे टूल्स पे क्लिक किया था, तो फिर यहाँ पे ऊपर ही ऊपर है क्रॉप। तो क्रॉप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएंगे। अगर आपको स्क्वायर में करना तो स्क्वायर कर सकते हो, 3/4 का करें तो 3/4 कर सकते हो, और 3/2 का भी है और 16:9 का भी है। तो यहाँ पे अगर 69 का करते हो तो ये है आपका यूट्यूब के लिए। और यूट्यूब के वीडियोज़ के ऊपर आप थंबनेल बनाते हो तो यहाँ पे ज़रूर ये लेना है आपकी 16:9 का। तो अभी मैं इसको पूरा ही बनाता हूँ, बैक जाता हूँ। अब इसमें सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हो या कोई स्टिकर डाल सकते हो या कुछ लिख सकते हो। सचिन का नाम लिखता हूँ मैं, ज़्यादातर लिखता रहता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आया हुआ है मिरेकल इंस्टीट्यूट, तो मैं इसको क्लिक करके डन कर देता हूँ। अब ये नाम इस फॉन्ट में है, तो मुझे जो स्टार्टिंग में नॉर्मल फॉन्ट है उस पर रखना है, क्योंकि उसमें रेगुलर में ये अच्छा दिखता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कर दिया मैंने। अब मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, बड़ा करता हूँ इसको। तो ये अपनी इसका साइज़ बड़ा हो गया है। अब ऊपर जहाँ पे अपने को सेट करना है वहाँ पे सेट कर देंगे इसको। इस साइड से थोड़ा और बढ़ाता हूँ। अब मैं इसको सेंटर में लाता हूँ, ये लाइन आ गई, अब ये मतलब सेंटर में है। यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इसको, इसका जो कलर है मुझे सेट करना है, तो इसके ऊपर ऐसे ही जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा। तो कलर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कलर्स आ गए, ठीक है। तो मैं इसमें रेड कलर चूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रोक, तो स्ट्रोक पे करेंगे तो चारों साइड से पट्टी आएगी, ठीक है। तो ब्लैक कलर मैंने चूज़ किया पट्टी के लिए यहाँ पे। और अब इसका मैं साइज़ बढ़ाता हूँ साइड का, स्ट्रोक का, ठीक है। तो ये देखो नाम ऐसा दिख रहा है। अगर मुझे चौड़ा लग रहा है तो मैं इसको
थोड़ा पतला कर सकता हूँ, ये सही है। ठीक है, अब इसके नीचे मुझे और लिखना है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ फिर, और मैं अपनी कोचिंग के लिए मिरेकल के जस्ट नीचे लिखता हूँ 6 to 12th, तो मैंने ये क्लिक कर दिया। आपको जो लिखना है आप टाइप कर सकते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये ना, अब देखो यहाँ पे आपको 3 लाइनों में दिख रहा है, तो इसकी टेंशन ना ले, आपको एक लाइन में करना तो एक लाइन में कर सकते हो। ये जो लेफ्ट साइड में काले कलर की, ब्लैक कलर में जो एक आई टाइप दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप लाइट लेफ्ट साइड खींचिए इसको। तो देखो एक लाइन में हो गया। अब इसको बड़ा कर दीजिए, फिर इसको ऊपर ले आप। लेकिन मैं इसको सबसे पहले इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करूँगा, फिर से मैं इसको रेगुलर में करूँगा क्योंकि ये अच्छा दिखता है रेगुलर में। ये हो गया रेगुलर। अब मैं इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ाऊँगा, तो ये मैंने साइज बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसको चौड़ा करूँगा थोड़ा सा, तो ये चौड़ा ही मैंने ये रख दी। ठीक है, अब मुझे इसको एकदम इसके नीचे टच करना है, एकदम पास में, ये सेंटर में भी है और इसके पास में भी। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा, तो इसका कलर मैं लेता हूँ ब्लैक ले लेता हूँ, और इसका स्ट्रोक है वो वाइट ले लेता हूँ ताकि इसमें मैच हो जाए। अभी दिख रहा है अच्छे से। हाँ, अब मुझे मान लो इस पर फोटो पिक डालनी है, तो पिक के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऊपर प्लस का चिन्ह, उसको क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे ऐड फोटो नाम आ रहा है वहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही ऐड फोटो पे क्लिक करूँगा सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके जो भी गैलरी के फ़ोटो है इनको ऊपर नीचे करते हैं और डायरेक्ट आप गैलरी में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं गैलरी में जाता हूँ, अब गैलरी से मैं मान लेता हूँ ये व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ मैं एक फ़ोटो लेता हूँ, मैं अपनी ये वाली फ़ोटो लेता हूँ और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि चारों साइड फ़ोटो के बैकग्राउंड सेम नहीं है, अलग है। मुझे इसको स्टिकर निकालना मेरे फ़ोटो फोटो का, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कटआउट का, तो कटआउट पे क्लिक करूँगा, ये कटआउट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से साइड साइड से अपनी उंगली को ऐसे चलाता जाऊँगा और इसको सिलेक्ट करता जाऊँगा। अब जैसे सिलेक्ट होता है ये आगे का तीर पे क्लिक कर देता हूँ। अब चेक करेंगे कि ये सही कटा है या गलत, अगर सही नहीं है तो हम इसको एडिट कर सकते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर सही है, यहाँ पे हाथ के पास ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे मैं रबर पे क्लिक कर रहा हूँ, रबर पे ये भी, और ये देखो साफ़ हो रहा है हाथ के पास, यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया, तो मैं बैक जा सकता हूँ, और ये देखो आप फिनिशिंग आ रही है, ये देखो यहाँ से हाथ के पास से फिनिशिंग आ रही है, ये देखो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे मैं वापस ब्रश पे जाके फिर इसको वापस फिल कर दूँगा, फिर वापस रबर पे जाता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ, देखो ये मेरा जो हाथ के पास जो कड़ा है यहाँ पे ये कट हुआ है, तो यहाँ पे मैं वापस ब्रश पे जाऊँगा और इसको फिर से ब्रश कर दूँगा, रेड कर दूँगा, ताकि ये स्टिकर बन जाएगा। फिर मैं रबर पे जाता हूँ, रबर पे, और यहाँ पे राइट साइड में फिनिशिंग लगाता हूँ, यहाँ पे इस शर्ट के बाजू में थोड़ा एक्स्ट्रा है, और देखता हूँ कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा है थोड़ा, ये ज़्यादा हो गया, बैक जाता हूँ मैं, ये हो गया फिनिश। अब मैं देखता हूँ और कहाँ पे है, ये देखो मेरी नेक के पीछे ये ज़्यादा है, फालतू में आ गया है, इसको मैं रबर से साफ कर देता हूँ, और ये देखो यहाँ पे गाल पे मेरा मिट गया है, तो यहाँ पे मैं वापस ब्रश से फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड और जो शर्ट की
बैकग्राउंड और शर्ट का कलर एक जैसा होने की वजह से इतना टाइम लगता है, नहीं तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये अब हो गया है, यहाँ पे गाल के पास थोड़ा सा ये है, तो इसको मैं थोड़ा और फिनिश कर देता हूँ। ये हो गया, अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा तो ये जाएगा स्क्रीन पे। अब मुझे इस फ़ोटो को अगर चौड़ा करना है तो चौड़ा कर सकता हूँ, कहाँ पे सेट करना है वहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होगी फ़ोटो। उसके बाद अगर मुझे और कोई स्टिकर्स लेने हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और ये स्टिकर जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए थे तो उनमें से है, जैसे मेरी पिक यहाँ पे सेव हो गई, ये अभी जो मैंने स्टिकर बनाया ये भी सेव हो जाएगा। ठीक है, और ये रिसेंट में है, ये डिस्कवर में है, तो डिस्कवर में अगर मैं यहाँ पे डिस्कवर करता हूँ तो यहाँ लिखूँगा, अगर सर्च करूँगा तो जो भी है वो आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हॉली लिखता हूँ, हॉली लिख के सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखो हॉली की शुभकामनाएं, हैप्पी हॉली, वैसे दिवाली की जो भी फेस्टिवल है, जो भी आप सेट करना चाहते हो, बर्थडे है, कुछ भी है, तो आपको अगर बनाना है तो आप उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। देखो इसको छोटा बड़ा जो भी कर सकते हो, अगर आपको कोई फ़ोटो और लेनी तो आप और भी फ़ोटो ले सकते हो। और यहाँ पे मैं स्टिकर्स और लेता हूँ, यहाँ पे मैं कलर्स ले लेता हूँ अभी। कलर में ये कलर आए हैं, एक मिनट में और देखता हूँ इसमें इस कलर में क्या आता है, इसमें भी आया है। हॉली कलर, ये देखो हॉली कलर मैंने किया, तो हॉली कलर में ये सारे कलर आ गए हैं। तो मान लो मैंने इस स्टिकर को लेना है तो इस स्टिकर मैंने क्लिक किया और ये स्टिकर आ गया स्क्रीन पे। तो ये हो गया, एवसम पिक बन गई। अब इसको सेव करने के लिए ऊपर राइट का चिन्ह है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अपनी पिक हो जाएगी। सीन आया है इसको, अभी ऐड आया है तो ऐड को हटाएंगे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव का, आप सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सेव करोगे तो सेव के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको गैलरी में करना भी आ रहा है, तो यहाँ पे और भी हो, तो किसी में आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो ये हो गया सेव। इस प्रकार बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्स, और इस पर मैं और भी और टेक्निकल भी बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप